हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं देवराज फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देवराज फिटनेस क्लब। तो आज हम वर्कआउट लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट वर्कआउट लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएंगे आप देख सकते हो उस वर्कआउट में। तो आप एक बार इस वर्कआउट को लगा के देखना आपका मसल कैसे एक्टिव होता है और कैसे गेन होता है, साइज बढ़ता है इसका। तो आप एक बार ये वर्कआउट ट्राई करके देखना और फिर देखना कि आप कैसा महसूस करते हो कि यह ना आपको जो आप सिंगल लगाते थे या जैसे भी आप वर्कआउट करते हो तो आपको कैसा लगता था, और ये वाला वर्कआउट लगा के आपको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है आपके मसल को, और आपको कैसा वर्कआउट लगा ये। तो अभी देखना, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम। आपको ज़्यादा हैवी डंबल नहीं लेना है, सिर्फ ओनली 5 kg डंबल लेना है या स्टार्टिंग करना 2.5 से, क्योंकि ये वर्कआउट ऐसे ही है। लगाओगे तब पता चलेगा कि ये ना कैसा वर्कआउट लगा रहे हो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। पहले प्रेस डंबल लगाएंगे हम, इसके आपको 30 रैप लगाने हैं, और वैसे धीरे धीरे आपके रेपिटेशन कम होते चले जाएंगे। वो कैसे हुआ कि देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्लो लगा सकते हो आप फास्ट करना, क्योंकि फास्ट लगाने से आपके मसल पे अच्छे से इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये वर्कआउट लगा के तो आपका पक्का 100% इफेक्ट पड़ेगा आपके मसल में जब लगाओगे आप। तो अभी मैं कंप्लीट बोल चुका हूँ कितनी रेपिटेशन हो चुकी है, तो मैं नॉर्मली अपना जितना बेस्ट लगा सकता हूँ उतना लगाऊंगा, और उसके बाद आप भी इसी तरह से ट्राई करना वर्कआउट लगा के। आपको पता चलेगा कि आपका मसल कैसे पंप हुआ है और कैसा गेन होगा जितना जल्दी आप। तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ कि बॉडी साइज गेन करने के लिए आपको अपना डाइट न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका मसल नहीं गेन होगा। तो ये हमारा पहला सेट हो गया। तो अब इसके साथ ही हम सेट डंबल कर देंगे, तो इसके भी आप जितने ज़्यादा हाई डंबल लगा सकते हो उतने लगाने की कोशिश करना। मैं अपना 30+ लगाने की कोशिश करूँगा, और लाइट वेट से स्टार्ट करना धीरे धीरे। आप जैसे 5 सेट कंप्लीट करने हैं आपको, और लास्ट 5 में आप 5-5 रेपिटेशन ही लगा पाओगे। अगर आप 10 तक जाते हो या फिर 12 तक जाते हो, मतलब डंबल केजी तक जाते हो 12 kg, तो अभी मुझे पता नहीं कितनी रेपिटेशन हो गई। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा तीसरा स्ट्रेच लगाएंगे जो हमारा ट्रैप्स के लिए होता है। तो इसका भी मैं 30+ ही लगाऊंगा, तो आप भी जितना लगा सकते हो लगा के ट्राई करके देखना, और लाइट वेट लेना जिससे कि आपका मसल एक्टिव हो जाए और आपके 5 सेट कंप्लीट हो जाए। 2.5, 5 kg, 7.5, उसके बाद 10, 12.5 कंप्लीट हो जाएगा आपका सेट। लगा के जरूर ट्राई करना। तो अब फ्रंट लगाएंगे, तो फ्रंट में हम डबल लगाएंगे, सिंगल नहीं। ये तो उसके लिए मैं 30+ लगाने की कोशिश करूँगा, बाकी पता नहीं कितने रेपिटेशन लग रहे हैं, बस एक अंदाजे से ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले भी लगा चुका हूँ वर्कआउट, 10 kg तक जा चुका हूँ, तो ये बीच में याद आया कि इस वर्कआउट की वीडियो बना दूँ, तो आपके लिए बना रहा हूँ। बाकी लगाना एक बार ये वर्कआउट और फिर देखना आपका मसल शोल्डर कैसे फटने को आएगा। शायद हो चुके होंगे 30+। अब लगाएंगे हम रियल डेड, तो रियल डेड आपको बेंच पे बैठ के लगवा देता हूँ आपका, वैसे मुझे खड़े होके बेस्ट लगता है। तो आप ऐसे बैंड होना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, oh, 17, 19, 20, अब नहीं लग रहा है, अब लास्ट है हमारा सिंगल। तो ये वर्कआउट आप एक बार बिल्कुल ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मसल आपका बहुत अच्छे से एक्टिव होगा। शोल्डर लाइट वेट से शुरू करना, हैवी मत लेना, क्योंकि आप हैवी लोगे तो आपके 5 सेट कंप्लीट नहीं होंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप 2.5 से स्टार्ट करना, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन लगाओगे उतना बेस्ट होगा। ओके, तो अभी लास्ट में पानी नाम हो चुकी है और अभी ये मेरा 4th सेट था, मतलब मैं पहले लगा चुका हूँ। ठीक है, तो आप भी 2.5 से स्टार्ट करना और लास्ट आप जहाँ तक अगर 4 सेट कंप्लीट कर सकते तो 4 करना, 2.5, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 12 kg, ठीक है। तो 5 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप 5 नहीं लगा सकते 4 लगा लेना, 4 भी आपके लिए बेस्ट होंगे। एक बार ट्राई करके देखना, टाइम जो लगेगा जब आपके 1 सेट कंप्लीट हो जाए तो 2 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो, ज़्यादा देर का नहीं। तो अभी आप देख सकते हो शोल्डर कैसे पंप हो चुका है। तो एक बार ट्राई करके देखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।